My dear students, how are you? I'm sure you must be in very, very high spirits and positive frame of mind. प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने नीट या JEE के कंपटीशन की तैयारी करने में बड़े जोर शोर से जुटे होंगे, जो कि आपको करना भी चाहिए क्योंकि अब एग्ज़ाम को ज़्यादा दूर नहीं है। और आपकी तैयारी में सहायता करने के लिए मैं ये जो सीरीज़ बनाई हुई है, जिसमें हाई यील्ड पॉइंट्स सीरीज़ नाम रखा है जिसका मैंने, उसका आज है वीडियो नंबर 15 और टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह सुनना है, पढ़ना है और हो सके तो साथ साथ पॉइंट्स लिखते भी जाना अपनी नोटबुक में। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन बटन प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन पॉइंट्स का फ़ायदा उठा सकें। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यू नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट without acceleration against the electric field, and it is given by, mathematically it is given by V equal to W divided by Q naught. V is the potential at the given point and W is the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to the given point. और यहाँ पे जो W work है, that is done for bringing test charge Q naught, तो unit के लिए कितना हो गया W by Q naught. So therefore V equal to W by Q naught. Then potential difference between two points. Suppose we have two points A and B in an electric field. Then the potential difference between these two points, that is VB minus VA, is defined as the amount of work done in taking a unit positive test charge from the point A to the point B against the electric field without any acceleration. सो अगर हम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लेके जाएं, तो मान लो हमें वर्क करना पड़ता है डब्ल्यू ए बी, तो फिर वी बी माइनस वी ए आ गया इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब अगर ये जो वर्क है इन टेकिंग पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि डब्ल्यू ए बी, अगर ये पॉजिटिव हो देन वी बी ग्रेटर देन वी ए, इसका मतलब पॉइंट बी का पोटेंशियल पॉइंट ए से ज़्यादा है। और अगर ये वर्क नेगेटिव हो देन वी बी लेस देन वी ए, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इज लेस देन दैट ऑफ ए। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इट इज पॉजिटिव ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज। देन यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल, SI unit of potential or potential difference is volt, is denoted by the symbol capital V, and 1 volt equal to 1 joule per second. ये 1 joule per second कहाँ से आया, क्योंकि V I equal to W by Q naught, W का unit हो गया SI joule और Q naught का हो गया coulomb, तो फिर जब W एक joule हो और Q naught एक coulomb हो तो V एक volt होगा, that means 1 volt equal to 1 joule per coulomb. Then CGS दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम बोलते हैं ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, किसका, ऑफ पोटेंशियल। क्योंकि ये क्यों लिखना होता है साथ में ऑफ किसका, पोटेंशियल का, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होते हैं वो कैपेसिटी के भी हैं, तो इसलिए जिस भी चीज़ का वो, या चार्ज के भी हैं, तो जिस चीज़ का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है उसका, उसे अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखें तो उसे हमें ये नहीं पता चलता कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी के हैं, लेकिन अगर लिख देंगे ऑफ चार्ज तो वो चार्ज का हो गया, ऑफ पोटेंशियल वो पोटेंशियल का हो गया, ऑफ कैपेसिटी वो कैपेसिटी का हो गया। इसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है उसके साथ हम लिख देते हैं EMU, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज या ऑफ पोटेंशियल या ऑफ कैपेसिटी। और ये जो ESU ऑफ पोटेंशियल है इसको हम स्टैट वोल्ट भी बोल देते हैं, और जो EMU ऑफ पोटेंशियल है
इसको हम एब्सोल्यूट वोल्ट, ए बी वोल्ट भी बोल देते हैं, और इनमें रिलेशन क्या है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 10^8 एब्सोल्यूट वोल्ट। इसका मतलब सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है इनमें से, स्टैट वोल्ट, बिकॉज 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 300 वोल्ट, और 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 3 × 10^2 कितना आ जाएगा, 10, ये इतने आ जाएगा एब्सोल्यूट वोल्ट। सो प्लीज रिमेंबर दिस रिलेशन। देन पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0। हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, किसको जितना मर्जी चार्ज दे दो, जितना इसमें से मर्जी चार्ज ले लो, इसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र में से जितना मर्जी पानी निकाल लो, जितना मर्जी पानी उसमें ऐड कर दो, उसके लेवल में कोई फर्क नहीं आता, और जो काम लेवल करते हैं इन दी केस ऑफ लिक्विड, वही काम पोटेंशियल करता है इन दी केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन फैक्ट पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज द डिग्री ऑफ इट्स इलेक्ट्रिफिकेशन। सो रिमेंबर द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज 0। अब आपने कभी निकालना हो जाए पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी टेक द पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज और ड्यू टू दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट इन्फिनिटी टू बी 0। तो हम जो 0 लेवल लेते हैं पोटेंशियल का इन द केस ऑफ ए चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज टेकन एट इन्फिनिटी। सो रिमेंबर पोटेंशियल, और पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट इन्फिनिटी इज टेकन एज 0। देन ए पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे मैं आपको अगर पूछूं कि बताओ एक प्रोटॉन किस तरह मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, तो हम कहेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर। अब हायर मतलब पॉजिटिव, लोअर मीन्स नेगेटिव। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन है, दैट विल मूव फ्रॉम ए पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टू ए पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। देन ए नेगेटिव चार्ज, ये भी मैंने नीचे पॉइंट लिख दिया है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड ए नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट से ए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड दैट पॉइंट इज ए और इन्फिनिटी। तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट ए, वो पॉइंट जहाँ पे हमने पहुँचना है, यहाँ पे पोटेंशियल देखना है, नेगेटिव साइन, एंड ई डॉट डी एल का मतलब होता है लाइन इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाई वी इक्वल टू 1/4 πε0 ∗ q/r, जिसका मतलब आप देखिए ये जो 1/4 πε0 है इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इट इज़ 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। देयरफॉर फॉर ए गिवन चार्ज, गिवन पॉइंट चार्ज, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, मान लो बहुत से चार्जेस हैं, असेंबली ऑफ चार्जेस कह लो, कलेक्शन ऑफ चार्जेस कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कह लो, उसके कारण आपने किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो वो आप क्या करो कि हर चार्ज के कारण वहाँ पे पोटेंशियल निकालो। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और जो टोटल पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे ड्यू टू दैट कलेक्शन और असेंबली ऑफ चार्जेस, दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट। दैट मीन्स वी इक्वल टू 1/4 πε0 समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, अगर n चार्जेज हैं तो qi/ri। देन हाउ डू वी डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, रिमेंबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड डिस्टेंस। आमतौर पे जो हम किसी चीज़ का रेट ऑफ चेंज देते हैं वो लेते हैं विस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पे हमने लेना विस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अगर मान लो दो पॉइंट्स हैं जिनमें डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा है डी आर, और उनमें बड़ा थोड़ा सा पोटेंशियल है डी, पोटेंशियल डिफरेंस है डी वी, तो डी आर डिस्टेंस के साथ कितना पोटेंशियल चेंज किया डी वी, तो ए के साथ कितना चेंज किया डी वी बाई डी आर, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। सो दैट इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसके यूनिट क्या होंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस के हैं ओवर डिस्टेंस के हैं, यानी कि वोल्ट पर मीटर।
और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपने कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट. रिमेंबर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट. और ये नेक्स्ट पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर. और क्योंकि E जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसलिए E का यूनिट भी वोल्ट पर मीटर हो सकता है. और एक यूनिट मैंने आपको पहले बताया था E इक्वल एफ बाई क्यू, न्यूटन पर कूलम. इसका मतलब न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर आर द सेम. देन पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज नॉट डिफाइंड. यहाँ पे किसी चार्ज को हमने रखा है, वो उसकी अपनी लोकेशन है, अपनी पोजिशन है, वहाँ पे उसके कारण कितना पोटेंशियल होगा दैट इज नॉट डिफाइंड. रिमेंबर दिस. सो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज इट सेल्फ, यू विल से दैट इट इज नॉट डिफाइंड. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट if a charge or a charge particle, this is very important point, if a charge or a charge particle carrying charge q is accelerated from rest, iska matlab wo charge ya charge particle rest pe hai, aap usko potential difference apply karte hain capital v so that it gets accelerated, then it will acquire velocity and hence kinetic energy. And according to the law of conservation of energy, the kinetic energy acquired by that charge particle or charge, that is half mv square, will be equal to q into v. ये q into v कहाँ से आया? मान लो जब आपने v potential difference apply किया charge q पे, तो उस पर work हुआ capital W. Then you know that potential difference or potential is work over charge. तो फिर वर्क कितना आ गया? चार्ज इंटू पोटेंशियल क्यू इंटू वी. इतना वर्क किया आपने उस चार्ज या चार्ज पार्टिकल पे, जब उसने आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया? कैपिटल वी. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस वर्क डन ऑन द चार्ज और द चार्ज पार्टिकल गेट्स कन्वर्टेड इंटू इट्स काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, वेयर एम इज द मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाई इट. और यहाँ से मैं अगर वी की वैल्यू निकालूँ तो वी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टू क्यू वी डिवाइडेड बाई एम. नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस रिलेशन दैट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ वी, मान लो मैं सेम पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ बहुत से चार्जेस को जिनके जिन पे चार्ज भी डिफरेंट है और उनके मासेस भी डिफरेंट हैं, देन द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एम. यानी कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी अक्वायर करेगा और जितना मास कम होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी अक्वायर करेगा. तो अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं जिन पे चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनके मासेस हैं M1 और M2 और उनको आप बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, तो उनकी वेलोसिटी की रेशियो जो आएगी V1 ओवर V2, दैट विल बी इक्वल अंडर रूट ऑफ Q1 ओवर M1 इनटू M2 ओवर Q2. याद रखो ये फार्मूला, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो जिसको ये फार्मूला याद है वो एक सेकेंड में कर सकता है. फिर ना द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है लेकिन फिर एक बार रिपीट करता हूँ, द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी अक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट एंड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल. दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर फिजिक्स. तो जब हम एटम और न्यूक्लियाई वाला चैप्टर करेंगे उसमें हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं इस यूनिट को. देन वॉट इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन, नाम से पता चलता है इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल वाली क्या लाइन. सो कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसी लाइन जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, दैट इज नोन एज एन इक्विपोटेंशियल लाइन. अगर आपको कोई एग्जांपल पूछे तो आपने कहना है द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन बिकॉज द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज जीरो. सो रिमेंबर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो. देन
If you have a point charge Q, you draw a circle around this point charge. Then the circumference of that circle is an equipotential line, because the potential at every point on the circumference of this circle will be 1 over 4 pi epsilon naught into Q by R. That means if you take any two points on an equipotential line, the potential difference between them is 0, and therefore no work is done. क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क ओवर चार्ज, इसलिए वर्क आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क कितना करना पड़ेगा, जीरो. सो रिमेंबर, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल लाइन. तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम 1 माइक्रो कूलम, जितना मर्जी चार्ज दे सकता है वो. साथ में कहेगा ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपने एक सेकंड में आंसर देना है जीरो. देन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, सिर्फ लाइन की जगह क्या कर देना है, सरफेस. ए सरफेस द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इज द सेम इज नोन एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर आपसे को एग्जाम्पल पूछे कि एग्जाम्पल दो इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो आपने क्या कहना है, द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्योंकि अगर आपने किसी सरफेस को, किसी कंडक्टर को चार्ज दिया है, तो उसके हर पॉइंट, उसके सरफेस के हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल नहीं सेम होगा, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम द सेम. इसी तरह मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, उसके चारों तरफ एक स्फीयर इमेजिन करो, और उस स्फीयर के पे कोई भी आप पॉइंट लो, उस पर पोटेंशियल सेम होगा 1 over 4 pi epsilon naught into Q by radius ऑफ दैट स्फीयर. तो इसलिए वो हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब कई बार पूछते हैं कि क्या जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो रियल होते हैं या इमेजिनरी. हम कहेंगे दे कैन बी रियल और दे कैन बी इमेजिनरी. जैसे द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दैट इज ए रियल सरफेस, वो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से. लेकिन अगर हम ये कहें कि किसी पॉइंट चार्ज के गिर्द हमने कोई स्फीयर ड्रॉ किया, तो जिस मर्जी रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करो, इमेजिन करो, इमेजिन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, इमेजिनरी है. नाउ जैसे मैंने बताया, इन द केस ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन के दो, कोई भी दो पॉइंट लो ऑन द इक्विपोटेंशियल लाइन, तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो. तो वर्क डन विल बी जीरो. इसी तरह अगर आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी जीरो, एंड देयरफॉर नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की. जैसे टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. फिर अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपने कहना है 90 डिग्री. दैट मीन्स द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू और नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इनकी कुछ और मैं प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आप शेप बताता हूं कि फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं. बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने कहना दे आर पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, फिर वो सरफेस जो हैं वो कर्व्ड होंगे, लेकिन फिर भी वो जो हैं दे विल बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस मे बी रियल और इट मे बी इमेजिनरी ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर ये भी मैंने बता दिया आपको कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस. बट अगर आपने किसी चार्ज को मूव करना है फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर, देन सम वर्क हैज़ टू बी डन.
और वो वर्क कितना होगा, मान लो चार्ज जो मूव करना वो क्यू है और एक सरफेस से पोटेंशियल वी वन है, दूसरे पे वी टू है, तो वर्क आ जाएगा क्यू इन टू वी वन माइनस वी टू, दैट विल बी द वर्क डन. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन रीजन. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, दे आर क्राउडेड इन ए रीजन, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज स्ट्रांग, एंड इफ दे आर फार्दर अपार्ट देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज वीक. सिमिलरली द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गिवन रीजन. इफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड इन ए गिवन रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज स्ट्रांग, एंड इफ दे आर फार्दर अपार्ट देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज वीक. Now we come to electric potential energy. Suppose we have a system of two point charges Q1 and Q2, then the electric potential energy or electrostatic potential energy of the this system of two charges Q1 and Q2 separated by a distance r is given by capital U equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by r. Now remember, electric intensity is a scalar quantity. अगर ये पॉजिटिव होंगे दोनों चार्ज तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव होंगे तो ही पॉजिटिव, लेकिन अगर एक चार्ज होगा पॉजिटिव दूसरा होगा नेगेटिव तो ये एनर्जी आ जाएगी नेगेटिव. एंड नेगेटिव एनर्जी डिनोट्स स्टेबिलिटी. इसका मतलब अगर कोई सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो वो अनस्टेबल होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो वो स्टेबल होगा. अब एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. वो मान लो कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, हम उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस से छोड़ते हैं विद दिस वेलोसिटी. वेलोसिटी एक को भी दे दी मान लो 10^6 मीटर पर सेकंड, दूसरे को भी दे दी 10^6 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी देने का मतलब हमने कौन सी एनर्जी दी उनको, काइनेटिक एनर्जी. तो वो एक दूसरे की तरफ आएंगे, किसके कारण आएंगे, ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी. लेकिन क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर. और आपको पता है कूलम लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो जो जो उनमें डिस्टेंस कम होता जाएगा उनमें रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और वेलोसिटी कम होने का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी. क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो ऊपर मैंने लिखा है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, इसमें यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. नाउ यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. तो फिर कहां जाती है वो काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी कम होती है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. और एक पोजिशन, एक सेपरेशन दोनों में इतनी आएगी जब दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, यानी कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो. तो उस वक्त वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है सारी की सारी, हाफ एम बी स्क्वेयर एक की, हाफ एम बी स्क्वेयर दूसरे की, दोनों को ऐड कर दिया वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/4 πε0 क्यू इन टू क्यू डिवाइडेड बाई आर, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन ईच ऑफ दोज पार्टिकल्स. अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही आ जाएगा, अगर और कोई सिमिलरली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन भी हो सकते हैं तो वो भी प्लस ही आएगा, या जैसे ये पार्टिकल हैं तो आर जो है उनमें स्मॉलेस्ट सेपरेशन है. तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं. अब इसका उल्टा भी ठीक हो सकता है कि हमने दो सिमिलरली चार्ज पार्टिकल को थोड़े से डिस्टेंस पे पकड़ के रखा हुआ है. इसका मतलब जब पकड़ के रखा हुआ किसी तरीके से तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, अब हम उनको रिलीज कर देते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो बताओ कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर पहुंच जाएंगे. तो उसमें भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, या ये कह लो, कह सकता है कि इन्फिनिटी पे जाके उनकी वेलोसिटी कितनी कितनी हो जाएगी. इन्फिनिटी का मतलब जब आर इन्फिनिटी हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उनकी, ज़ीरो. लेकिन जब थोड़ी सेपरेशन थी, आर की वैल्यू थोड़ी थी, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी थी यू इक्वल टू 1/4 πε0 इंटू क्यू बाई आर. और जब वो
इनफाइनाइट सेपरेशन में पहुंच गए तो आर कितना हो गया, इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। कहाँ गई वो एनर्जी, कनेटिक में बदल गई, और क्योंकि दोनों के मास बराबर हैं, दोनों का चार्ज बराबर है, तो कनेटिक एनर्जी भी बराबर बराबर मिलेगी। तो एक के भी हाफ एम वी स्क्वेयर, दूसरे की हाफ एम वी स्क्वेयर, तो टोटल हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू 1/4 πε₀ into Q। सेम फार्मूला लगेगा, फर्क ये है कि वहाँ पे हमें V दे रखा था जो पहले मैंने आपको बताया, अब आपने V निकालना है। सो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग दिस रिलेशन। नाउ फॉर ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3, द टोटल, अब अगर तीन चार्ज हों तो तीन पेयर बन गए, एक बन गया Q1 और Q2 का, दूसरा बन गया Q2 Q3 का, तीसरा बन गया Q1 और Q3 का, तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी उनकी, वो आ जाएगी U=1/4πε₀, वो अलजेब्रिक सम आएगी, तो ब्रैकेट में आ गया Q1 Q2/R12 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2, प्लस Q2 Q3/R23, R23 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस Q2 एंड Q3, प्लस Q1 Q3/R13, R13 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q3। देन इफ यू हैव ए सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, और वो चार्ज मान लो Q1 Q2 Q3 Q4, जैसे मैंने ये फिगर बनाई है, ये स्क्वेयर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकती है। अब इसमें अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो इसमें छः पेयर बनेंगे, एक Q1 और Q2 का, दूसरा बनेगा Q2 Q3 का, तीसरा Q3 और Q4 का, चौथा Q4 Q1 का, पांचवा Q1 और Q3 का, और छठा Q2 और Q4 का। तो जो टोटल एनर्जी आएगी इन छः पेयर्स के अलजेब्रिक सम के बराबर आ जाएगी। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि तीन चार्ज हैं, उनको एक लाइन में रखा हुआ है, उनमें से कोई नेगेटिव भी हो सकता है, तो बताओ उनमें से दो की अगर वैल्यू दे रखी है, तीसरे की वैल्यू निकालो, डिस्टेंस उनमें दे रखे हैं, कि तीनों की टोटल एनर्जी ज़ीरो आ जाए, तो आपने तीन पेयर की टोटल एनर्जी को ज़ीरो पुट कर देना, तो वहाँ से जो भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मान लो आपके, या पहले स्फेरिकल शेल कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड कैरिंग ए चार्ज स्मॉल क्यू एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर, दैट इज गिवन बाय V=1/4πε₀ into Q/R फॉर आर लेस देन स्मॉल आर, लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सरफेस से लेके, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल होगा 1/4πε₀ into Q/R, क्यू जो चार्ज है उस पर शेल पे, और आर उसका रेडियस है। इसका मतलब सेंटर पे पोटेंशियल इतना, सेंटर से थोड़ी दूर पे भी उतना, उससे ज़्यादा, और सरफेस पे भी उतना। अब मान लो अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके, देखो ध्यान से सुनो जरा ये क्वेश्चन कैसे आता है, उसके सरफेस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो बताओ उसके सेंटर पे कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 10 वोल्ट। अगर वो कहे कि उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से 1 सेंटीमीटर पे कितना होगा, आपका आंसर 10 वोल्ट। क्यों, कि अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है जितना के सरफेस पे होता है। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, ये हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन साइड ए चार्ज स्फेरिकल शेल ज़ीरो, और इस चीज़ को हम यहाँ से ही प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ई क्या होता है, ई होता है −dV/dr, ये मैंने आपको अभी बताया ऊपर। और अगर उसके अंदर स्फेरिकल शेल के वी कांस्टेंट रहता है, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट कितना होता है, ज़ीरो, दैट मीन्स E=0। सो रिमेंबर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन साइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज ज़ीरो, यानी कि ऐसा कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमें ऑफर करता है, यानी कि किसी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना है, तो उसको किसी हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो। और अगर वो पॉइंट सरफेस के बाहर है, यानी कि अगर स्मॉल आर जो है ग्रेटर देन रेडियस ऑफ दिस शेल है, देन वी इक्वल टू 1/4πε₀ into Q/R। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पता है कि टू इक्वल वन नेगेटिव एंड द अदर पॉजिटिव, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मान लो आपके पास ये जो फिगर मैंने बनाई है, इसको ध्यान से देखो, एक चार्ज माइनस क्यू रखा है ए पे,
दूसरा प्लस क्यू रखा है बी पे, ये बन गए इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसकी लेंथ है 2a, पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग पी विद द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्शियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यानी कि पी के साथ पी वैक्टर, क्योंकि पी वैक्टर डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और डिस्टेंस आर है। तो फार्मूला है पोटेंशियल एट द पॉइंट P will be V equal to 1 over 4 pi epsilon naught into P cos theta over R square minus A square cos square theta। अब हम स्पेशल केस ले सकते हैं, आप देख सकते हैं अगर पॉइंट P एक्शियल लाइन पे हो तो थीटा जीरो आएगा, तो अगर मैं इस इक्वेशन में थीटा जीरो पुट कर दूं यहाँ पे ये देखो तो V एक्शियल आ जाएगा 1 over 4 pi epsilon naught into P over R square minus A square, और एक्चुअली ये 180 भी हो सकता है अगर वो पॉइंट इस तरफ है नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो फिर हम थीटा की जगह 180 पुट कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा पोटेंशियल। देन अगर वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है तो आप देख सकते हैं कि थीटा 90 होगा, और अगर मैं इस इक्वेशन में जो ऊपर इक्वेशन 1 लिखी है थीटा 90 पुट करूँ तो पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, और अगर डाइपोल छोटा हो देन ए लेस देन आर एंड देयरफॉर द टर्म कंटेनिंग ए स्क्वेयर मे बी निगलेक्टेड एज कम्पेयर टू आर स्क्वेयर। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें से ये टर्म जो है ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इसको आपने छोड़ देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वी इक्वल टू पी कॉस थीटा, वी इक्वल टू पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वेयर। देयरफॉर फॉर ए गिवन पॉइंट एंड फॉर ए गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो कांस्टेंट है ही है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी भी कांस्टेंट हो गया, थीटा भी कांस्टेंट हो गया, देयरफॉर वी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वेयर, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया फॉर ए पॉइंट चार्ज वी प्रोपोर्शनल टू आर, और एक बार फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको रिवाइज हो जाए ये, एंड फॉर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल वी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वेयर। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है फॉर ए पॉइंट चार्ज ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वेयर होती है, और फॉर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब होता है, लेकिन वी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वेयर फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ई दैट इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर माइनस डी वी बाई डी आर, इसका मतलब अगर तो वी आर पे सिर्फ डिपेंड करता है तो फिर तो जो वी है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है आर पे, तो फिर ई आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर, अगर वी सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है तो ई आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, अगर वी सिर्फ वाई पे डिपेंड करता है तो ई आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी वाई, अगर वो सिर्फ जेड पे डिपेंड करता है तो ई आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी, लेकिन अगर वी एक्स पे भी डिपेंड करता है वाई पे भी डिपेंड करता है जेड पे भी डिपेंड करता है देन ई इक्वल टू माइनस, ये जो उल्टा ट्रायंगल बनाई है मैंने छोटी सी और ऊपर एरो डाला है इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है डेल ऑपरेटर इक्वल टू आई कैप करली करली एक्स प्लस जे कैप करली करली वाई प्लस के कैप करली करली जेड। और अभी मैं आपको बताऊंगा करली का क्या मतलब होता है, लेकिन अगर ई लिखना हो मैंने पूरा तो माइनस डेल वी दैट विल बी नेगेटिव साइन इज देयर, और ये जो डेल ऑपरेटर है आई करली करली एक्स और साथ में वी आ जाएगा, यानी कि आई कैप करली वी बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली वी बाई करली वाई प्लस के कैप करली वी बाई करली जेड, और इसमें मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया, वी भी बाहर लिख लेता हूँ, तो बाकी क्या बचा, ये डेल ऑपरेटर बचा ब्रैकेटों में आई करली करली एक्स प्लस जे करली वाई प्लस के करली जेड। अब याद रखो करली वी बाई करली एक्स का मतलब क्या, इसको करली बोलते हैं, ये जो टेढ़ा करके मैंने लिखा है करली वी बाई करली एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल का मतलब जब हमने v का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना, क्योंकि मैंने बताया इसमें v x पे डिपेंड करता है y पे भी z पे भी, तो मैं इकट्ठे तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकता विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो मैं फिर क्या करता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूँ, यानी कि करली v y करली x निकाल लो, डिफरेंशिएट करो v को विद रिस्पेक्ट टू x बाई ट्रीटिंग y एंड z एज कॉन्स्टेंट्स, और करली v y करली y का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y व्हेन x एंड z आर टेकन ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स, और करली v बाई करली z का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z व्हेन x एंड y आर टेकन एज कॉन्स्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर, स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।